श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों बहुत बेहतरीन टॉपिक हम चला रहे हैं। आपको पता है क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 2। इससे पहले बच्चों हमने जो है पार्ट फर्स्ट का वीडियो बनाया, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है बच्चों। उसमें हमने क्या बताया कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उनको उनके फॉर्मूले तो हमने बताए ही हैं, साथ में हमने उनकी प्रूविंग भी बताई हुई है कि वो फॉर्मूले कैसे आते हैं या कैसे प्रूव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हमने अच्छे से बताया हुआ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पे हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 2 वीडियो होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो इनवर्स फंक्शन हमारे पास होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं इन इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन दिए गए हैं और ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिए गए हैं। बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एक सवाल आपके पास जरूर आएगा एग्जाम में, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, 100% एक सवाल पूछा जाएगा, ये अभी से नोट कर लीजिए। अगर आप अभी अपना एक नंबर पक्का करना चाहते हैं या दो नंबर पक्का करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप कहेंगे अरे इतना एक नंबर पाने के लिए हम इतना याद करना पड़ेगा, तो याद करना क्या चुटकियों का खेल है केवल। देखिए और इसको याद कैसे हम कराते हैं आपको। देखिए बच्चों इनवर्स फंक्शन आपके पास कौन कौन से है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। पहले इन दोनों के बारे में अच्छे समझिए फिर बाकी समझेंगे, ठीक है ना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के जब हम डोमेन की बात करेंगे बच्चों, देखिए डोमेन हमारा क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है ना उसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। डोमेन हमारी एक्स की वैल्यू होती है और जबकि रेंज जो होती है बच्चों ना, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो रेंज होता है, ये रेंज होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये रेंज होते हैं। और आपको पता है रेंज हमेशा जो होता है वो पूरे फंक्शन की वैल्यू का होता है, रेंज हमेशा पूरे फंक्शन की वैल्यू का होता है और जबकि डोमेन केवल और केवल एक्स की वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात। उसके बाद देखिए बच्चों इसमें साइन इनवर्स अगर हमारे पास है तो यानी साइन इनवर्स अगर एक्स है तो उस एक्स का जो डोमेन होगा वो बच्चों इसके और इसके बीच में लाई करेगा, यानी माइनस एक और एक को भी काउंट किया जाएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं x belongs to close bracket minus 1 to 1 हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें बच्चों तो आप देख सकते हैं यानी अगर sin inverse x और ये y के इक्वल है देन y belongs to ये हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, y belongs to हो जाएगा क्योंकि ये पूरा फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो एक प्रकार का रेंज होता है बच्चों। और याद रखना sin inverse की जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू में वो -π/2 से π/2। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स में देखिए डोमेन सेम रहता है बच्चों, आप देखिए याद हो गया कि नहीं हो गया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन सेम रहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको देखिए याद रखना पड़ेगा कॉस इनवर्स का होता है 0 से π होता है बच्चों, 0 और π भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें, 0 और π भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आ गया ना। उसके बाद बच्चों आप देखिए साइन इनवर्स अगर कॉस इनवर्स याद हो जाते हैं तो कॉसिक और सेक बड़े आराम से याद हो जाएंगे, कैसे, कॉसिक इनवर्स की देखिए बच्चों डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है कि रियल नंबर्स जितने होते हैं ना उसमें से ये साइन इनवर्स, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि साइन का रिलेशन कॉसिक से होगा तो उस रियल नंबर में से, रियल नंबर होते क्या है बच्चों, रियल नंबर आर है और आर होता है रियल नंबर, और रियल नंबर हम कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कॉसिक इनवर्स हम क्या कहेंगे, रियल नंबर में से ये नंबर हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये नंबर हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, -1 to 1 यानी इसके बीच के नंबर माइनस होंगे बच्चों, ये क्लोज ब्रैकेट को माइनस नहीं कर रहा है केवल ओपन ब्रैकेट में माइनस कर रहा है, यानी -1 से 1 के बीच में जितनी वैल्यूज होगी वो सारे रियल नंबर्स में से माइनस हो जाएंगे और जो बच जाएंगे वो कॉसिक इनवर्स के डोमेन हो जाएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके डोमेन हो जाएंगे इस फंक्शन के, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद अब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो बच्चों हम देख सकते हैं सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे करना है, आपके पास रेंज ये थी और रेंज में से हम केवल जीरो को निकाल देंगे क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू है जीरो, और उस जीरो को निकाल दीजिए तो बन जाएगा रेंज ऑफ कॉसिक इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिक इनवर्स हमें निकालना है तो बस जीरो को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉस सेक का हो गया, तो सेक में देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, सेम टू सेम डोमेन निकल गया। उसके बाद अगर रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो बच्चों कॉस का देखिए क्या था, 0 से π था, तो अब 0 से π में इसके बीच की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, उसको माइनस कर दीजिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा 0 से π
में से पाई बाई टू को माइनस कर दिए, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, बाकी जो बची हुई वैल्यू है वे सारे क्या होंगे, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच होंगे, ठीक है ना बच्चों, इसके सेक इनवर्स के, इसके होंगे सेक इनवर्स के, ठीक है ना। अच्छा टेन इनवर्स की बात करें बच्चों हम, तो डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर होगा, कॉट इनवर्स में भी पूरा रियल नंबर हमारा डोमेन होगा, ये तो क्लियर याद हो जाएगा, यानी याद केवल केवल आपको दो याद करिए तो दो इधर से याद हो जाते हैं, टेन और कॉट याद करते हैं, टेन इनवर्स वाला और कॉट इनवर्स वाला भी अगर टेन याद हो जाए तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बच्चों ये सारे इसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम टेन के बारे में बताते हैं आपको, टेन इनवर्स का रियल देखिए डोमेन हो गया, कॉट इनवर्स रियल हो गया। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो टेन इनवर्स देखिए इसमें क्या था आपका, इसमें क्लोज ब्रैकेट था ना बच्चों, इसमें ओपन ब्रैकेट है, बस इतना याद रखना है। कॉट इनवर्स में देखिए बच्चों क्या है, जो कॉस में आपका क्लोज ब्रैकेट था यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ये ध्यान रखना है और कुछ भी अंतर नहीं है, बड़े आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए ऐसे याद करते हैं, साइन इनवर्स का अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट में लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद कॉस इनवर्स का अगर लेना है तो आपको पता है जीरो से पाई ये क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। फिर हमें क्या लेना है, साइन कॉस इनवर्स हो गए बच्चों। अब हमें देखिए डोमेन का इतना भी काम नहीं है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज का ही काम ज्यादा रहेगा। तो साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, अब हम बात करेंगे कॉसिक इनवर्स की बच्चों। तो कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल है, तो कॉसिक जो था उसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो हमारा साइन इनवर्स का था उसमें से केवल और केवल उसकी बीच वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी यानी जीरो, ठीक है ना। उसके बाद हम सेक इनवर्स की बात करेंगे तो सेक इनवर्स वाली में कॉस का रेसिप्रोकल है जीरो से पाई, वहां पे जीरो से पाई था, आप जीरो से पाई में से पाई बाई टू को माइनस कर दीजिए, जीरो से पाई सॉरी यहाँ पे यहां देखिए कॉसिक हो गया सेक, सेक में जीरो से पाई से पाई बाई टू को माइनस कर दीजिए, ये आपका सेक इनवर्स हो गया। उसके बाद टेन इनवर्स की बात करें तो बच्चों आपको पता ही है टेन इनवर्स में जो हमारा साइन का था उसमें क्लोज ब्रैकेट था इसमें ओपन हो जाएगा, उसी तरह कॉट में हमारा कॉस वाला का हो जाएगा यहाँ क्लोज ब्रैकेट था यहाँ जीरो से पाई, तो बड़ा आराम से याद हो जाएगा यार। मैं इस पर एक सवाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको समझाया जा सके। जैसे मैंने एक सवाल दिया बच्चों कि साइन इनवर्स, मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन कर रहा है बच्चों। इस फंक्शन का हमको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्य मान बताना है बच्चों। साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान क्या होगा यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट क्या करेंगे देखिए, साइन इनवर्स लिखिए माइनस वन बाई टू लिखिए और यहाँ लिखिए थीटा, क्या लिखेंगे थीटा, मान लीजिए एक्स मान लीजिए वाई मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस वन बाई टू लिखना है, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों हमें ये बताइए ये साइन में मान किसका होता है, माइनस को मत देखिए सिर्फ वन बाई टू का मान बताइए, टेबल में साइन साइन वन बाई टू टेबल में साइन का कितना मान होता है, वन बाई टू का आपको ये बताना है। तो आप बता सकते हैं यार साइन थर्टी डिग्री का होता है, और थर्टी डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या लिखेंगे, पाई बाई सिक्स, क्या लिखेंगे पाई बाई सिक्स, 180 बाई सिक्स करेंगे ना 30 आएगा तो उसी को बोलते हैं पाई बाई सिक्स, क्योंकि पाई होता है 180, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन पाई बाई सिक्स। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि साइन में अगर हमें प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो आपको साइन में देखना पड़ेगा मान, साइन इनवर्स में क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और बच्चों आप देख सकते हो पाई बाई सिक्स तो है, अगर हम यहां से क्वाड्रेंट का यूज करते हैं और इधर साइन है इधर भी साइन ही रखेंगे आप, साइन 180 माइनस थीटा करेंगे या साइन 180 प्लस थीटा करेंगे, क्योंकि 180 माइनस थीटा तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि आप 180 माइनस थीटा करोगे तो उसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, यहां तो नेगेटिव है साइन, तो 180 प्लस थीटा करने से तो नेगेटिव आएगा बच्चों, लेकिन 180 प्लस थीटा हमारा पाई बाई सिक्स हो जाएगा, यानी पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स हमारा हो जाएगा 7 पाई बाई सिक्स, और 7 पाई बाई सिक्स कहीं कहीं बच्चों इस वैल्यू के बीच में नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं 7 पाई बाई सिक्स, आप देख सकते हैं 7 इंटू पाई की वैल्यू 180 बाई सिक्स करेंगे तो आप कितना पाएंगे 210 डिग्री, और ये माइनस 90 से लेकर प्लस 90 के बीच में ही आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमको क्या करना होगा, ये जो माइनस है बच्चों इसको अंदर ले जाना होगा, यहां पे लिखना होगा साइन में माइनस थीटा, और ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों की साइन से साइन कट भी रहा है, और साइन माइनस पाई बाई सिक्स कहीं ना कहीं माइनस पाई बाई सिक्स जो है वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब बच्चों ने यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को हमने क्या माना था, थीटा, क्या माना था थीटा माना था, यानी हम कह सकते हैं अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहां देख सकते हैं
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, यहां पे रेंज भी लिख सकते हैं बच्चों, रेंज यहां पे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू या इज करके लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं बच्चों कितना आएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो कितना मिलेगा, आप यहां पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, साइन से साइन कटेगा माइनस पाई बाई सिक्स आएगा, और ये जो थीटा माना है आपने किसकी वैल्यू मानी है, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को, यानी ये माइनस पाई बाई सिक्स जो आया है कहीं कहीं बच्चों माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच में आ रहा है, इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू जो होगा वो माइनस पाई बाई सिक्स होगा, ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको थीटा मानना है, क्योंकि हमको साइन 180 माइनस थीटा केस लग नहीं सकता है, 180 प्लस थीटा लगा नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा हो रहा था, इसलिए साइन में माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, देखिए साइन में माइनस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा ही तो होता है, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, और साइन से साइन कट के थीटा हमारा ये आ जाएगा, और माइनस पाई बाई सिक्स जो थीटा है वो आप देख सकते हो क्या है, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू है, यानी साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई सिक्स होगी, क्योंकि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज माइनस पाई बाई सिक्स है, ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है, ठीक है ना।